हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक सुदामा में। अगर आप काइनमास्टर को यूज़ करते हैं और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि वीडियो फाइल्स आर मिसिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट या ऑडियो फाइल्स आर मिसिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट या कोई भी फाइल्स आपके काइनमास्टर में से प्रोजेक्ट में से मिसिंग नहीं है, फिर भी आप जो है उसको एडिट ना ही एडिट कर सकते हो ना ही उसको प्ले कर सकते हो, तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं एम एक्सप्लेन में आ गया हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट ओपन करने जाता हूँ तो मेरे सामने जो है ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं इस वीडियो में वही दिखाने वाला हूँ। और ये प्रॉब्लम आता कैसे है, ये प्रॉब्लम बेसिकली दोस्तों आता है आपने अगर कुछ रिकॉर्डिंग किया है या कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है और उसको जो है एडिट करने वक्त आपने मेन फाइल को डिलीट कर दिया है, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको आपको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ये एडिट के पेज पे आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आता है कि कहाँ से जो है आपका फाइल डिलीट हुआ है तो आप सिंपली ये जो बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर गए तो कर दोगे आपको दिख जाएगा कि जहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जो है मतलब वो फाइल आपका नहीं है, आपका फ़ोन में वो फाइल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना होगा। जैसे आप डिलीट कर दोगे आप देख सकते हो जैसे ही ये सारा फाइल्स आप जो है डिलीट कर दोगे आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी मैं वीडियो को प्ले भी करूँगा तो ये प्ले नहीं होगा, ये प्ले होके भी स्टॉप हो जाएगा, प्ले होके ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और भी फाइल्स है, और भी बहुत सारा फाइल्स है इसमें जो कि डिलीट हो चुका है, मैं डिलीट कर दिया हूँ जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये एक फ़ाइल रहा है, इसको भी हम लोगों को डिलीट कर देना होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपने अगर आपका खुद का फाइल डिलीट कर दिया है तो आपको फिर से वही फाइल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा खाली हो गया, इसमें आपको कोई भी ऐसा कुछ नॉन प्लेएबल मतलब डिलीटेड वीडियो है नहीं, डिलीटेड फाइल है नहीं। अभी देख सकते हो कि ये फाइल जो है अभी चल रहा है, ठीक है, ये फाइल अभी चल रहा है। तो ऐसे जो है आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों एक और प्रॉब्लम, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है आपके सामने आ जाता है, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम में कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको एडिट करने जाऊँगा यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एरर क्या है, आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे प्ले में जाओगे तो ये प्ले नहीं होगा, आप देख सकते हो ये प्ले नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैं पहले दिखाया था कि वीडियो अगर कोई लेयर डिलीट हो गया है तब जाके वो प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर आपका अगर कोई ऑडियो फाइल रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है, तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हो ये जो ऑडियो फाइल है, ये ऑडियो फाइल यहाँ पे दिखा रहा है मिसिंग है। तो आप इसको पहचानोगे कैसे कि कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो फाइल ये जो है, ये एक ऑडियो फाइल है, ये एकदम बिल्कुल साफ सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे धुंधला लग रहा है, मतलब ये ऑडियो फाइल नहीं है। जो भी फाइल यहाँ पे आपका शो नहीं होगा, धुंधला शो होगा, मतलब वो फाइल यहाँ पे नहीं है। तो उस फाइल को आपको एक एक करके डिलीट कर देना है। आप जैसे डिलीट कर दोगे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप ये सब जो देख रहे हो आपको छोटा कर देना है, थोड़ा ऐसे दो उंगली को पकड़ के छोटा कर देना है। छोटा जैसे आप कर देगा पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक करके पकड़ना है और डिलीट कर देना है। आप एक एक करके पकड़ोगे और डिलीट कर दोगे और ये जो पूरा का पूरा ऑडियो जो है आपको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। आप जैसे ये सारा ऑडियो को डिलीट कर दोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एकदम रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी अगर प्रोजेक्ट को मैं प्ले करूँगा तो ये प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्ले हो रहा है, प्ले हो रहा है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।